ओह नो यार, ये ओ शेट, ये क्या हो रहा है यार? ओ नो, इस हार्ड ड्राइव की वजह से कहीं मेरा पीसी ना खराब हो जाए यार। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं गीकी टेक्निका, और आज के इस न्यू वीडियो में हम करने वाले हैं एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की अनबॉक्सिंग। अब एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव क्या होता है वो सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आपको एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसके अंदर जो है आप अपने पीसी के कंटेंट को जो है सेफली स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये जो है मोस्टली कौन यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ज्यादातर यूट्यूबर्स एंड जिनके पास ज्यादा कंटेंट्स होता है एंड जिनके पीसी में जो है ज्यादा प्लेस नहीं बची रहती है वो लोग इसे यूज करते हैं एंड इसके अंदर जो है अपने कंटेंट्स को जो है सेफली स्टोर करके रख सकते हैं। आज जो है मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ वो रहेगी हमारी वेस्टर्न डिजिटल की माई पासपोर्ट करके हार्ड ड्राइव की। इसके क्या क्या आपको फीचर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं एंड मैं आपको दूंगा इसका रिव्यू एंड इसे किस तरीके से सेटअप करना है ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स get started. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम हार्ड ड्राइव के नेम के बारे में बात कर लेते हैं। जो सो इसका जो नेम दिया गया है वो है माई पासपोर्ट करके। अब ये नेम इसे इसलिए दिया गया है बिकॉज ये जो है आपको पोर्टेबल मिल जाता है। कंपनी का ये कहना है कि ये इतना पोर्टेबल है कि ये आपके पाम में जो है फिट हो जाएगा एंड ये जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो मेरे पास है वो 2 TB है, ये जो है आपका 16 TB तक जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पर हम जो है बॉक्स के अंदर हाईलाइटेड जो है इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑटो बैकअप करके ऐसा जो है दिया गया है। यहाँ पे जो है आपको पीछे जो है कंटेंट यहाँ पे हाईलाइटेड दे दिया जाता है वो है यहाँ पे। यहाँ पर आपको जो है कंपेटिबिलिटी भी दे दिया जाता है कि किस किस के साथ चलेगा। तो ये आपके जो है विंडोज के एंड मैक के दोनों आपके जो है डिवाइस पे चल सकता है। सो यहाँ पर जो है हम इसे जो है अनबॉक्स करते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो है आपको पैक करके जो है कंपनी की तरफ से मिल जाता है हार्ड ड्राइव। सो इसे हम जो है ओपन करते हैं। आई थिंक सो ऐसे ये जो है ओपन होगा। सो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा कंपनी ने कहा था तो ये उस तरीके का ही जो है आपको पोर्टेबल दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का आपको जो है यहाँ पर वेस्टर्न डिजिटल का जो है आपको लोगो देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर जो है आपको इस तरीके का जो है डायगोनल लाइंस आपको जो है दे दी जाती है मैट बैकग्राउंड के साथ एंड यहाँ पर जो है आपको क्रोम फिनिशिंग दे दी जाती है। सो ये बहुत ही अच्छा है एंड यहाँ पर जो है आपको USB 2.0 एंड 3.0 का जो है कनेक्ट करने को जो है मिल जाता है आपको यहाँ पर। एंड यहाँ पर अगर मैं वेट की बात करूँ तो इसका जो है वेट वो 170 ग्राम आपको मिल जाएगा। इसका जो विथ है वो 81.5 mm है एंड इसकी हाइट जो है वो 110 mm है एंड इसका जो आपको डेप्थ देखने को मिल जाता है वो 13.8 mm आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आपको अच्छा एंड कूल लुकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एंड ये जो है आपको 3 इयर्स की वर्ल्ड वाइड वारंटी के साथ आपको यहाँ पर ये जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। एंड फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारे डिस्क के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमें बॉक्स में और क्या क्या कंटेंट देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो है आपको जो है हार्ड ड्राइव के साथ जो है पेपर्स भी मिल जाएंगे जो कि अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है आपको केबल प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि केबल की जो है लेंथ तो आपको इतनी ज्यादा नहीं दी गई है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि केबल की लेंथ जो है वो छोटी है। तो यहाँ पर एक आपको शिकायत देखने को मिल जाती है, अगर केबल की लेंथ अगर थोड़ी बड़ी रहती तो ये और भी अच्छा रहता। सो कोई बात नहीं। सो फ्रेंड्स, अभी हम बढ़ते हैं इसके सेटअप के ऊपर। इसे किस तरीके से सेटअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये जो है आपको इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको कनेक्ट करना रहेगा। सो आपको ये जो है इस तरीके से कनेक्ट करना है एंड कनेक्ट करने के बाद एंड ये जो आप देख रहे हैं USB, इसे जो है आपको अपने पीसी में कनेक्ट करना है। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपके सामने जो है मेरा डेस्कटॉप है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप जैसी ही अपनी हार्ड ड्राइव को जो है अपने पीसी में जो है कनेक्ट करेंगे तो आपको जो है 2-3 जो है नॉर्मल सेटिंग्स आपको जो है ऑन एंड ऑफ करनी रहेगी। वो जो है आपको जैसे आप उसे
कनेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो है आपका हार्ड ड्राइव जो है देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है एंड आपको दो तीन जो है सेटिंग्स उसे अनेबल आपको करनी रहेगी। एंड उसके बाद जो है आपकी हार्ड ड्राइव जो है आपको यहाँ पर कंप्यूटर के वहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाती है। सो आपको जो है वहाँ पर क्लिक करना रहेगा। एंड क्लिक करने के बाद आप जैसे ही पहले या दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से एक आपके डेस्कटॉप के ऊपर ही आपको जो है पॉपअप देखने को मिलेगा। तो उधर आपको जो है वो कहेगा कि आपको जो है एप्लीकेशन इसके डाउनलोड करने, तो आप वहाँ पर क्लिक करके उसकी लिंक पे जाके आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वो करने के बाद जो है आप अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर जो है अपनी फाइल्स को डाले या निकाले आप जो है उसे फ्रीली आप जो है कर सकते हैं। एंड वो करने के बाद आपको अगर इजेक्ट करना है अपनी हार्ड ड्राइव तो आप वो कर सकते हैं। सो वैसे तो अभी तक मैंने जो है इसे अपने पीसी में जो है अटैच नहीं करा हूँ, तो अभी जो है मैं करता हूँ एंड देखते हैं जो मैंने अभी आपको वर्बली कहा हूँ उसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसा होता है। सो यहाँ पर जो है मैं कनेक्ट करता हूँ। ये क्या हो रहा है, चलो एक और बार ट्राई करते हैं इसे निकाल के। आई थिंक सो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। फ्रेंड्स मुझे आप एक मिनट दीजिए, मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने पूरा चेक किया हूँ एंड चेक करने के बाद जो है यहाँ पर मुझे पता लगा है कि यहाँ पर जो है हमारे हार्ड ड्राइव के साथ मिली गई हुई USB के अंदर जो है हमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारी को जो है USB मिला गया है हार्ड ड्राइव के साथ वो आई थिंक सो डैमेज है, बिकॉज यहाँ पर जो मेरा PC आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है मेरे पास एंटीवायरस डाउनलोड किया गया हुआ है एंड इसके अंदर वायरस नहीं होगा। एंड यहाँ पर जैसे ही मैं कनेक्ट कर रहा हूँ हार्ड ड्राइव को तो मेरी हार्ड ड्राइव भी जो है वर्क कर रही है, उसके अंदर की जो लाइट है वो ऑन हो रही है एंड उसे मैं टच कर रहा हूँ तो जो है वाइब्रेट हो रही है, बट यहाँ पर जो है USB रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि USB नॉट रिकॉग्नाइज करके आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो कनेक्ट करने वाला USB है वहाँ पर आपको तकलीफ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करना चाहूँ कि यहाँ पर गलती किसकी है, तो यहाँ पर मैं ना तो पूरा फॉल्ट जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर डाल सकता हूँ और ना तो पूरा फॉल्ट जो है सेलर के ऊपर डाल सकता हूँ, बिकॉज मैंने बहुत टाइम जो है मोस्टली मैंने जो है अपनी लाइफ में शॉपिंग ऑनलाइन किया हूँ एंड फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन से ही जो है मैंने चीज़ें खरीदा हूँ मोस्टली। सो ये जो मैंने हार्ड ड्राइव लिया हूँ वो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया हूँ और कभी भी मेरे साथ जो है ऐसा हुआ नहीं है कि कोई भी मेरी जो है चीज़ ख़राब मुझे मिले फ्लिपकार्ट की तरफ से या फिर अमेज़ॉन की तरफ से, बट यहाँ पर जो है पहली टाइम मेरे साथ ऐसा है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़्लिपकार्ट की यहाँ पर गलती है, बट यहाँ पर जो है सेलर की भी गलती हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हार्ड ड्राइव बहुत डेलिकेट आपको जो है चीज़ देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर शिपिंग के टाइम डिलीवरी के टाइम क्या पता कोई चीज़ की वजह से जो है उसके USB में फॉल्ट हो गया होगा, डैमेज हो गया होगा, या फिर सेलर की तरफ से ही जो है फ़्लिपकार्ट को जो है डैमेज USB मिला होगा। सो ये हो जाता है, हम क्या करेंगे कि इसे रिफ़ंड में डाल देंगे। ये जो एक फ़्लिपकार्ट की फैसिलिटी या अमेज़ॉन की फैसिलिटी जो है वो बहुत अच्छी लगती है, तो हम इसे रिफ़ंड में डाल देंगे एंड हमें जो है रिफ़ंड मिल जाएगा एंड इसे हम फिर से बाय करके देखेंगे कि क्या ये फिर से होता है कि नहीं। सो यहाँ पर जो है मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं बता पाऊँगा कि इसे आप सेटअप करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, बट जैसा मैंने आपको वर्बली बताया हूँ वैसा ही जो है आपको फॉलो करना रहेगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक और न्यू वीडियो में विद न्यू टिप्स ट्रिक्स अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड व्लॉग के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाजू में जो एक नोटिफिकेशन बेल आइकन है आप उसे अनेबल जरूर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक कर दीजिए एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ इसे जो है शेयर करिए, ताकि अगर उन्हें जो है हार्ड ड्राइव की जरूरत पड़े तो उनकी जो है हेल्प हो सके। एंड आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपकी क्या राय है इस हार्ड ड्राइव के बारे में एंड आप कौन सी हार्ड ड्राइव जो है यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।